जय गुरु। उस युग में यह नित्य लीला दिन रात चलती, आनंद रूपी भुरनाधार का मुख था उन्मुक्त। श्री श्री ठाकुर का प्रत्येक आचरण ही भक्त वृंद को बार बार स्मरण दिलाया था। द्वापर युग की वही वृंदावन लीला इस काल क्लिष्ट संसार में पद्मा पार की उस अनिर्वचनीय रूप माधुरी का अभिनव लीला देखकर मनुष्य समझता वो यमुना तट पर उसी श्याम राय को देख रहा है। 1946 में देवघर आगमन के बाद स्थानीय कुछ दुष्ट लोग श्री श्री ठाकुर एवं सत्संग को लगातार 3 भयावह मामला में फंसाकर विपदग्रस्त करने की चेष्टा किए, किंतु तीनों मामले में ही श्री श्री ठाकुर सौगौरव जयी हुए। केवल जयी ही नहीं हुए बल्कि उनके असीम दर्द और प्रेम से इन अपराधियों में से अनेक के जीवन में परिवर्तन भी आया है। इस दल का छोटन नामक कोई ग्राम्य व्यक्ति जिन दिनों यह मामला चल रहा था, एक दिन ठाकुर बंगला के सामने के रास्ता से चिल्लाते हुए सत्संग आनंद बाजार और सत्संग के कर्मियों के नाम से भद्दी भद्दी गालियां बकते हुए जा रहा था। यह स्थानीय एवं बदमाश व्यक्ति था, इसलिए अनेक ही सुनकर भी कोई प्रतिवाद नहीं किए। वह व्यक्ति चित्कार करते करते चला गया। कुछ दिन बाद वह व्यक्ति प्रचंड रूप से बीमार पड़ा। उसके बाद जब थोड़ा चलने फिरने लगा तो एक दिन लगता है कुछ सहायता पाने की आशा में धीरे धीरे चलकर श्री ठाकुर के सम्मुख आ उपस्थित हुआ। श्री ठाकुर उसी समय यति आश्रम में उपविष्ट थे। उपस्थित सभी इस व्यक्ति को देखकर एक बार विद्वेषपूर्ण दृष्टि से इसकी ओर देखे, किंतु श्री ठाकुर उसको देखते ही मधुर हास्य के साथ उसका कुशल जानना चाहे। व्यक्ति ने अपनी असुस्थता की बात बताया। सुनते ही श्री ठाकुर डॉक्टर और दवा की व्यवस्था तो कर दिए है, ऊपर से दिए पथ्य के लिए कुछ रुपया पैसा भी। उसके बाद उसको बोले, सुनो चोटन, तुम तो मेरा लड़का हो, तुम कष्ट पाओगे तो मुझको कष्ट नहीं होगा। कष्ट में क्यों पड़ोगे, जरूरत पड़ने पर मुझे बताओगे। व्यक्ति को जैसे कुछ हो गया, उसने जो किया था उसके लिए उसे अपराध बोध था ही। बदले में ऐसे व्यवहार की उसने आशा भी नहीं की थी। थोड़ी देर खड़ा रहा, कृतज्ञ चित्त से प्रणाम कर वो चला गया। जय गुरु।